जैन बच्चों, एसएससी जीडी के अंदर जो अभी बहुत बड़ा बदलाव आया है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत करना और मेहनत 101% शुरू कर देना, क्योंकि ये देखो मेरे हाथ के अंदर मैं पूरा लिस्ट अभी मेरी पूरी टीम ने बना करके दिया है। जो एसएससी जीडी का जनवरी 2024 में जिसका एग्जाम हुआ था उसके अंदर टोटल वैकेंसी था 26,146। अभी एक बड़ा अपडेट आया कि जिसके अंदर गवर्नमेंट ने अभी टोटल वैकेंसी 46,617 वैकेंसी कर दिया। तो जिन बच्चों का एग्जाम नॉर्मल था उन बच्चों को मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट में आने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। रिजल्ट अभी लेटेस्ट में बिल्कुल आने वाला है। आप ये समझ लो कि एक गॉड गिफ्ट दिया गया जिन बच्चों का एग्जाम नॉर्मल गया था। तो वो सभी बच्चे अपना पूरा जी जान लगा करके अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी वन साइडेड मत करना बेटा, क्योंकि अगर आप ओनली फिर रनिंग में लग जाओगे तो मैं पास तो करवा दूंगा लेकिन साथ साथ आपको मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन ये सारी चीजें, क्योंकि आप देख लो कि 2023 की वैकेंसी को और 2024 की वैकेंसी को एक साथ मर्ज कर दिया है। तो मैं अपने बच्चों को ये बोलना चाहता हूं कि जो आपका इतना बढ़िया चांसेस है तो अब अगर आप इस मौके को छोड़ दोगे तो वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो मेरे को अपने बच्चों को यही एक मैसेज देना है कि एसएससी जीडी के अंदर जिन बच्चों ने अपना मेहनत किया था वो अपना फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, साथ में मेडिकल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आकर के ऑफिस में ले लें, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ले लें और उसके बाद वेरिफिकेशन में क्या होगा वो करके ए टू जेड तैयारी करके आप अपना एसएससी जीडी का सपना पूरा करें। आपको अगर इस भर्ती से जुड़ी कोई भी और जानकारी लेना है नीचे कमेंट्स कर देना या फिर मेरे ऑफिस में आकर के डायरेक्ट मुझसे मिलकर के आप पूरी जानकारी ले सकते हो। साथ ही एक बात और बता देता हूं बच्चों कि ये जो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूं ये बहुत इधर उधर से हम लोग निकाल करके एक्टिव रहते हैं। अपने बच्चों से बोल रहा हूं कि अगर वीडियो सचमुच में मेरा सही लगता है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर रखे हो तो लाइक करना, शेयर करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा। जय हिंद।